आप देख रहे हैं आंवला न्यूज़, खबर आम शहर की। आज हम आपको भारत चीन सीमा विवाद पर बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, जिसमें अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उनका कहना था कि ये सीमा विवाद किसी दूसरे ने नहीं, देश में कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। इस पर उन्होंने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ाहोती का उदाहरण दिया है। चीन ने हमारे राज्य उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत सीमा पर भी दिया है धोखा। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय उत्तराखंड राज्य से सटे तिब्बत सीमा पर भी उठ चुका है कई बार विवाद। यहां बाड़ाहोती क्षेत्र में भी चीन ने सीमा विवाद पैदा किया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, लेकिन नेहरू की गलतियों की वजह से भारतीय सेना को वापस 3 किलोमीटर आना पड़ा। पहले तो कोरोना संक्रमण को फैलाने और बढ़ावा देने के आरोप में चीन कई देशों को अपने बचाव में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। वहीं अब इस अति संवेदनशील विषय से ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं पर विवाद पैदा करने लग चुका है, जिसमें चीन की तरफ से हुई हिंसक कार्रवाई में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 19 वीर जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के 43 जवानों के शहीद होने की बात भी चल रही है। इस गंभीर परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन में क्या कहा, वो भी सुनिए। इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारी आज इस संबंध में भाजपा के अविभाजित उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के तिब्बत सीमा से सटे बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा के बाड़ाहोती सीमा के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने इस सीमा पर भी भारत चीन की सेनाओं के आपसी विवाद के बारे में खुलकर बोला। उन्होंने इस सीमा विवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी घेरा। इसमें पूर्व मंत्री फोनिया ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के इस बाड़ाहोती सीमा विवाद में बैकफुट आने पर अपनी नाराजगी जताई। आइए आप भी सुनिए क्या कहा पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया ने। ऐसा है, चीन की हरकत तो बहुत पहले से चलती आ रही है। मुझे याद है बाड़ाहोती में इन्होंने आईटीबीपी कैंप पर धावा किया, और उस समय पंडित नेहरू और ताऊ एनराई की दोस्ती थी, दोनों चीनी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। और फिर इनकी बैठक हुई, दोनों ने तय किया कि
3-3 किलोमीटर वापस चले जाए। चीन का वापस जाना तो बिल्कुल ठीक था, जायज था, क्योंकि वो भारत की सीमा में आई, वो लोग बड़ा होते से तुंजन बाग के पास थी, अपनी तिब्बत की सीमा में चले गए। लेकिन भारत ने भी बड़ा होते से पीछे हटने का की बात मान ली, ये नहीं होना चाहिए था। भारत तो अपनी सीमा के अंदर थी, भारतीय सीमा, तो उस समय भी ये पंडित नेहरू ने ये स्वीकार किया कि हम भी पीछे आ जाएंगे। अब वहां से बारह होते से हटके वो रिम के मैं आ गए। ये चीन की पुरानी बदमाशी है, भारत को हर समय धोखा देती रही। कल की बात है, वहां पर रिपू लेक में, वहां पर कहां ये लद्दाख में भारत की सीमा, भारत के 10-20 घायल हो गए और 43 चीन के हो गए। यही होना चाहिए, जब तक इस तरह से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक चीन को होश नहीं आएगा। मतलब आप भी मानते हैं कि अटैक होना, वो डिफेंसिव नहीं होके ऑफेंसिव होना चाहिए चीन के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, चीन चीन को सबक सिखाने वाली बात होनी चाहिए। इसके साथ ही फोनिया ने हमारी इस बातचीत में चीन के खिलाफ ऐसे ही आक्रामक व्यवहार अपनाने की सराहना की है। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई वाली रणनीति से बचते हुए आगे बढ़कर कार्रवाई करने की बात कही। चीन को सबक सिखाने पर फोनिया ने पूरा जोर दिया। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय सेना को चीनी सेना के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की बात सुनने को मिली है। चीन के इस आक्रामक रवैये के कारण श्रीनगर लेह वाला मार्ग भी बंद कर दिया गया है। चीन ने ऐसा धोखा 1962 में भी दिया था, लेकिन इस तरह चोरी छिपे हमारे 20 सेना के अधिकारी और जवानों पर हमला कर उनकी जान लेने की घटना पहले कभी नहीं हुई। इस नृशंस हत्या पर शहीदों के परिजनों ने मोदी सरकार और सेना को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसी शर्मनाक कार्रवाई करने के बाद अपने बचाव के लिए चीन हमी पर ही उल्टा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा रहा है। वहीं देश की जनता में चीनी सामान के खिलाफ विरोध पैदा होने लग चुका है। सभी सोशल मीडिया में चीनी सामान के बहिष्कार करने की बातें करने लगे हैं। ऐसे समय पर लोग कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरोधी बयानों की भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। इन परिस्थितियों पर चीन के अलावा देश के अंदर किसी के खिलाफ बोलना शायद ही किसी देशभक्त को पसंद आए। अब लोग इस गंभीर विषय पर कन्हैया और बाकी विवादित भाषण देने वालों के भी चीन के खिलाफ उसकी भारतीय सेना पर हमले की निंदा का विरोधी भाषण सुनने को बेताब है। वहीं एक समाचार में तो चीन के 63 से 112 सैनिकों के हताहत होने की खबरें भी चलाई जा रही हैं। सीमा विवाद पर चीन की छवि हमेशा से ही गैर जिम्मेदाराना रही है। आज सारे संसार में कोरोना के करोड़ों लोगों के संक्रमण और लाखों की मौत की बदनामी झेल रहे चीन इससे सबक लेने के बजाय अब कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल को आगे कर हमारे देश पर अनर्गल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इस सीमा विरोधी गतिविधियों के पीछे चीन का दुनिया से कोरोना के मामले में ध्यान भटकाना भी हो सकता है, क्योंकि अब कोरोना के इतने वृहद स्तर पर फैलाव और अरबों लोगों के प्रभावित होने से चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच से कार्रवाई होना तो संभव है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी भारत की भूमिका होने से चीन पर कोरोना संक्रमण फैलाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होने का भी खतरा पैदा हो चुका है। ऐसे में चीन या घोषित युद्ध का बहाना लेकर बचने की चाल चल रहा है। वैसे भी चाल चलने में इस देश ने कई उदाहरण पेश किए हैं। ऐसी ही एक चाल चीन ने 1962 में भी चली थी, जिसमें पहले इसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और बाद में हम पर हमला कर दिया। हमारे देश के शहीदों को आंवला डिजिटल मीडिया श्रद्धांजलि देता है और इस सीमा विवाद के सुलझने तक हम अपनी देश की सरकार और सेना के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज। मेरा देश महान। जय हिंद।